डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के उड़नी। ओहो मितुर पेलाक, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में और उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी पहाड़ों में, मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मम्मी ने पता नहीं कब उठ के ये गेहूं धो भी दिए। इन गेहूं पर लग रहा है घुण और गेहूं अंदर से पूरे खोखले कर दिए, आटा जो था उन्होंने ही निकाल दिया। हमें चक्की में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो कीड़ों ने खुद ही निकाल दिया। तो ये भी धोने हैं, धोने थे, तो मम्मी ने पता नहीं सुबह उठ के कब धो दिए। मेरे उत्तराखंड में, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। अभी मैं आया हूँ अपने खेत में, मिर्ची का जो पौधा दे रखा है, मिर्ची के पौधे से घास निकालने के लिए, उसमें घास जा रही है, फिर वो मिर्ची के पौधे को होने नहीं देगा बड़ा, इसलिए उसमें से घास निकालनी है। ये है हमारे 3 क्यारियाँ, इसमें से मैंने पहले निकाल दिया था, इन दोनों में से आज निकालना है। और मेरे साथ आया है अभी पवन, पवन भी निकालेगा थोड़ा थोड़ा, निकालेगा थोड़ा थोड़ा निकालेगा। पहाड़ को ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। अभी मैंने उसमें से जो घास थी उसमें वो निकाल दी है और अभी धूप भी हो गई है। आजकल गर्मी के दिन है तो भैंसों को पानी पिलाने का टाइम ही हो चुका है, 10 बजे तक पानी पिला देते हैं आजकल। अभी कुछ टाइम पहले 12 बजे पिलाते थे, फिर आजकल धूप बहुत ज़्यादा हो रही है भैंसों के लिए, जानवरों के लिए, भैंस गाय सभी के लिए, तो 10 बजे तक पानी पिला देते हैं। अभी मैं चलता हूँ भैंसों को पानी पिलाने के लिए। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। तो अभी भैंसों को पानी पिला के आ चुका हूँ और अभी बनाते हैं खाना। ये बनाई है आज हमने भरा डुबुक, ये और ये है हमारे चावल। तो अभी खाना खाते हैं, मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो अभी खाना हो चुका है और आजकल दिन में आलस जैसा आ जाता है खाना खा के, तो अभी थोड़ी देर सो जाते हैं, उसके बाद फिर मेरे को जाना है कहीं काम के लिए। अभी थोड़ी देर सो जाते हैं। तो अभी मैं उठ चुका हूँ और अभी चलते हैं फिर जहाँ मुझे जाना है काम के लिए। तो अभी हमारे वहाँ की औरतें जा रही हैं, वो उधर उस वाले गाँव में, उधर एक गाँव है और हमारे गाँव से किसी ने वहाँ से घास खरीदी है। हमारे गांव में जैसे घास कम हो जाती है तो इधर उधर से ले आते हैं, तो वहां से किसी ने ख़रीदी है तो वहां से लेके आना है। अभी तो औरतें जा रही हैं वैसे, तो मेरी मम्मी से उतना आता नहीं है, तो मम्मी की जगह लेने जा रहा हूं मैं और बाकी औरतें वहां पर बैठी हुई हैं। अभी जिसने घास ले रखा वो तो आई नहीं है और बाकी और लोग आ गए हैं गाँव के, तो लोग वहाँ पर बैठ चुके हैं और लड़कों में मैं अकेले हूँ, बाकी सब औरतें हैं। तो मैं चलता हूँ थोड़ा आगे आगे। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे। यहाँ पर हो रहा है रेस्ट, हम लोग आधे रास्ते में आ चुके हैं और अभी दो लोग और आ रहे हैं, तो उनको रुके भी हैं और थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा। एक तो आ गए, देखो वो आ रहे हैं, एक और एक पीछे ये भी आ रहे हैं। उत्तराखंड में डाली डाली फूलों। अपने गांव से इतने दूर
वो है हमारा गांव वो, और इधर से आ रहे हैं हम लोग, इधर से ये देखो। और ये आ चुके हैं अभी बगल वाले गांव में, इसका नाम है खड़की, खड़की हाँ, खिड़की नहीं खड़की। और ये है उनका घर। अभी हवा बहुत तेज चल रही है तो हो सकता है आप लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो। और ये है इन लोगों के गेहूँ, यहाँ पानी हर किसी का पर्सनल है, उसके बाद ही गेहूँ इतने अच्छे हो रहे हैं। और आप देख सकते हो नीचे प्याज है, और ये हो गया आड़ू के पेड़, नीचे लहसुन हो गया, और नीचे भी गेहूँ है। ये वाले घर के वहाँ पे, उस घर के थोड़ा नीचे है, उन लोगों का घास वहाँ से लेके जाना है। अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। ये है नींबू का पेड़, नींबू नहीं उसका मौसमी का पेड़ है। और यहाँ पर फल फूल बहुत होते हैं यार इधर वाले गांव में, मौसमी हो गया, और इधर है तुम्हारे जो छुआरे होते हैं उसका, और यह है नींबू का, और ये है इधर के गेहूँ। यहाँ हम लोग पिछली वीडियो में भी एक बार आए थे यहाँ पे। यहाँ के घर दूर दूर हैं, पांच परिवार वाले रहते हैं यहाँ पे, एक उधर है और एक वो वाले हो गए, एक जहाँ पे हम हैं ये हो गए, और एक वो दिख रहा होगा पूरी इधर नीचे वाला, और एक ऊपर है हल्का सा दिख रहा होगा। ये हो रहे हैं इसमें लौकी बहुत सारे पुराने वाले जो पिछले साल वाले हैं, और ये लोग बीज निकालने के लिए ये चढ़ी है पेड़ में देखो तोड़ने के लिए, और ये निकाल रहे हैं बीज। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। हमारे गांव में नींबू बहुत कम हो रहे हैं, तो ये लोग आ रहे हैं अभी नींबू तोड़ रहे हैं। देखो वहाँ पे, यहाँ भी थोड़े कम ही हो रहे हैं, वैसे ज़्यादा तो नहीं हो रहे पर हो रहे हैं, और बहुत बड़े हो रहे हैं। ताई दिखा एक बार, ताई दिखा मत, दिखा वो देखो, ये बहुत बड़ा हो रहा है ये देखो, इन्हें रह गए मग मग, अब सब को चैन पड़ गई हूँ। हमारे नीचे गया था, अब खत्म है केवल। मेरे को जाने के लिए बोल रही थी, अभी चाची खुद ही चली गई है और गिनती चालू है। खंड में बादलों के ओढ़ने वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के उड़नी ये लगी हो सबूत थुपुड़, ये देखा थुपुड़ ना गुढ़े, एक गुढ़े द्वि तीन चार पाँच छः सात, एक वो लग रही है मेरी आठ, उसमें मेरी लग रही है, और वो दो दो ऊपर से लेके जाएंगे, अभी यहाँ पे थोड़ा कम है। ये हो गया है, दो लोगों के लिए नहीं हुआ है, वो लोग अभी ऊपर से लेके जाएंगे। और ये हमें ये थुपुड़ ख़त्म करें अमूल, दुई गुढ़े आपको मथवा ले जा लो। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अभी चढ़ाई हो चुकी है ख़त्म, अभी तीसरा रास्ता है। अब तो है हमारा गांव, अभी हमें उतनी दूर जाना है, यह है रास्ता इधर को देखो। दो लोग चढ़ गए पेड़ में, और एक नीचे से पकड़ रहे हैं उनको, ये बताने सीन इनको भर के मतलब पेड़ लगाने फिर हमें तो सिंध बनानी। ये बाजा डाउ छो इन पर घाले हजल जल बाँस खानी फिर भैंसा बाजा घाले हजल और ना सिंध ला बंजल बढ़िया। हम लोग अभी आ चुके हैं, थोड़ा और बचा है, थोड़ा आगे और जाना है, और बहुत अच्छा भी लगा लेकिन थकान भी बहुत हो गई, इतनी आदत भी नहीं है घास वास ले जाने की, और मम्मी से उतना आता नहीं है। मैं आ गया और भारी हो रहा है, थोड़ा भारी उतना भारी तो नहीं हो रहा है, ठीक हो रहा है फिर भी।
और अच्छा लगा वहाँ जाके, इतनी घुमाई भी होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और अगर आप लोगों को कुछ कमियाँ दिख रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उनको सुधार करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बिजोरे बिजोरे मेरे पहाड़ को।